और गाइस ये आप सामने जो देख रहे हैं जोधा भाई का महल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति ब्लॉग्स। और गाइस इस समय जो मैं खड़ा हूँ फतेहपुर सीकरी, यानी मतलब इसका नाम जो है फतेहपुर सीकरी कैसे पड़ा गाइस, तो इधर को जाएंगे तो फतेहपुर है और हम थोड़े इधर को आएंगे जोधा भाई का महल जो है वहाँ पर। तो ये जो लग जाता है ये फतेहपुर सीकरी है, तो सीकरी में लग जाता है गाइस ये। और यहाँ जो पुरानी चीज़ें हैं बहुत बनी हुई वो सारी दिखलाऊंगा मैं इस वीडियो में, और वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जोधा भाई का जो महल है सारा दिखाऊंगा और अकबर की जो कहानी है थोड़ी बहुत मिलेगी उसको भी बताऊंगा। तो मैं सारी जो हिस्ट्री यहाँ की देखते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा है, मैंने भी नहीं देखा है। तो पहले आए थे हम, पहले तो इतनी खास वो देखी नहीं थे हमने, घूमे नहीं थे, मगर अब ज़रूर घूमेंगे और पढ़ेंगे भी क्या क्या लिखा हुआ बोर्डों पे, सब चीज़ की जो जानकारी है अंदर मिलेगी। पहले लेते हैं हम टिकट, क्या पैसे का है क्या पैसे का नहीं है। तो चलते हैं अंदर की ओर और आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। और सामने यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक आइसक्रीम बेचने वाले हैं, वो आइसक्रीम खाई है मैंने। और उसके बाद जो अब मैं अंदर जाएंगे और अंदर का जो व्यू है जोधा भाई का महल है जो भी है रसोई वगैरह जो भी है वो हर चीज़ देखेंगे अंदर पहुँच के। तो चलते हैं सीधे, ये जो नगरी है अकबर के ख्वाबों की नगरी है, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं व्यू। और टिकट सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेना है, जितने भी पैसे का है इतने का टिकट लेके और अंदर चलते हैं एंट्री करते हैं। गाइस यहाँ का टिकट जो है दो पर्चियों में मिलता है और टिकट का चार्ज जो 50 रुपये है, और एक ये है और एक ये है। और यहाँ से भी लेना चाहते हैं आप टिकट तो यहाँ से भी ले सकते हैं QR कोड से। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं व्यू पॉइंट। तो गाइस यहाँ पे लिख रहा है जोधा भाई का महल, इधर को चलना है हमें। तो चलते हैं जोधा भाई का महल देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, हमने भी नहीं देखा आपने भी नहीं देखा होगा, तो आपको भी दिखाते हैं और चलते हैं। काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं, टिकट जो 50 रुपये का चार्ज था केवल, और जो है टिकट चलो ज़्यादा नहीं था। आगरा में जो है बहुत दिक्कत पड़ रही थी, भीड़ भाड़ बहुत थी, यहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है। और ये सब लाल पत्थरों से बना हुआ है, जैसे लाल किला बनाते नहीं बिल्कुल सेम बना हुआ है ये। ये देखिए आप सामने ऊंची ऊंची हवेली बनी हुई है, यानी मतलब ये कई सौ बरसों से खड़ी हैं, ऐसी की ऐसी ही खड़ी हैं आज भी जैसी थी। और देखो सामने वो तो अंग्रेज हैं, और काफ़ी अच्छा शानदार व्यू आ रहा है। और चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस अंदर जो आ गया हूँ मैं, और हम जो जोधा भाई के महल जाने वाले हैं, किधर से जो रास्ता तो वो रास्ते पे इस तरह से आ गए हैं और मुझे करेक्ट पता नहीं है किधर को जाना है किधर को नहीं। तो चलते हैं और देखते हैं किस साइड से रास्ता मिलता है। और भी जो है अच्छा आ रहा है, धूप जो है बहुत ही बढ़ रही है, गर्मी वगैरह बहुत है। और सामने का व्यू दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए गाइस अति सुंदर एकदम लाजवाब पॉइंट है, ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और सामने भी बना हुआ। और गाइस एक बात और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे जो परदेश मूवी की शूटिंग भी हुई थी, गाना शूट हुआ था यहाँ पे लास्ट में। और जो है यहाँ ये लिखा हुआ है याओ जल ड्रिंक वाटर, ये लिखा हुआ है, और ड्रिंक वाटर ही पीना, थोड़ा सा पानी पीना है। तो चलता हूँ पानी पीने की ओर, क्योंकि गर्मी जो है इतनी है गाइस, बहुत ही गर्मी पड़ रही है, ये पानी पीने के लिए लगे हुए हैं। तो गाइस आगे की ओर और चलते हैं और देखते हैं व्यू यहाँ का। और गाइड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से गाइड भी ले सकते हैं, और गाइड जो आपको मिलेगा लगभग यहाँ का गाइड जो 400 रुपये तक में मिलेगा, पर दरगाह का गाइड जो वो मिल जाता है सस्ता ही 50-60 रुपये में। और यहाँ पे गाने वगैरह भी बहुत सारे शूट हुए हैं, और गर्मी जो बहुत लग रही है ठंड में खड़े होते हैं थोड़ी देर के लिए। और मैं आपको थोड़े सीन दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस सीन, ये देखो ये जो बने हुए हैं काफ़ी पुराने महल बने हुए हैं और आज भी ऐसे के ऐसे खड़े हैं, ना ही तो इतनी देखभाल हो रही है इनकी, और बिल्कुल सेम पहले की तरह ही।
लग रहे हैं। आपके महल जो हैं, आपकी जो बनावट है वो ज़्यादा टाइम नहीं रुकती है, एकदम से जो टूट जाती है। जोधाबाई का महल, अकबर का महल, ये सब यहीं पे हैं। और आगे पार्क भरा हुआ है, वहाँ पे भी निकलते हैं सामने, चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं व्यू कैसा है यहाँ पे, क्या चीज़ है, इस चीज़ को भी देखते हैं और समझते हैं क्या हुआ करता था यहाँ। तो गाइस यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, कोई छेड़खानी ना करे इन जगहों पर। ये समझने की जगह तो कुछ मुझे लग ही नहीं रही है, क्या मतलब ये मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। और देखो यहाँ से जो है पत्थरों का कटान हो गया, ये डैमेज हो रहा है यहाँ से, ये आप देख रहे हैं ना, ये डैमेज हो रहा है यहाँ से, काफ़ी पुराना है और आज भी ऐसा कि ऐसा खड़ा है। देख लो गाइस, पहले की बनावट जो थी वो अलग थी और अब की बनावट जो है वो बिल्कुल ही अलग है। और गाइस सामने जो देख रहे हैं काफ़ी धूप है, और ये जो बीरबल का महल है सामने जो आप देख रहे हैं, और मैं इधर से थोड़ा शूट कर देता हूँ, ये जो है गाइस ये बीरबल का महल है, और मैं आपको उस तरफ से दिखाता हूँ थोड़ा। मैं अपने जूते जो मैं धूप में रखता हूँ, मेरे भीगे हुए जूते, क्योंकि सुबह जो बारिश जो हुई है काफ़ी रफ्तार से हुई है, और अपने फ़ोन वगैरह भी यहीं पे मैंने गिर दिए थे, उठा लेता हूँ। ये जूते जो सारे भीगे पड़े हैं। तो गाइस बारिश जो आई थी, इतनी बिगड़ बारिश आई थी सुबह, कोई जवाब नहीं। और सामने भी देखो कितनी अच्छी जगह बनी हुई है, बहुत बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, एक बार आप ज़रूर आएँ फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए। तो गाइस ज़्यादा खर्चा नहीं आने का यहाँ पर आने में, कोई अपना किराया लगेगा और 50-60 रुपये की टिकट, और कुछ नहीं है इस यहाँ पर। तो मैं जो है दिखाता हूँ महल आपको। तो गाइस ये आप जो देख रहे हैं बनावट देख रहे हैं, आप कढ़ाई देख सकते हैं पहले के ज़माने में कैसी होया करती थी। तो गाइस ये जो है बीरबल का महल है, कहते नहीं है क्या कर रहा, बीरबल की खिचड़ी पका रहा है क्या, वही महल है ये, वही बीरबल था। कहते थे पहले जब भी कोई खिचड़ी पकाने लगता था, वो टाइम लग जाता था खिचड़ी में, तो ये कहते थे बीरबल की खिचड़ी पका रहा है क्या घर पर, घर के भी बोला करते थे, और जैसा कोई भी पका रहा। तो ये है बीरबल का महल, असली महल बीरबल का, और शानदार है, अंदर से भी दिखवाता हूँ मैं आपको चल कर। और सारा जो है देखिए आप, ग्राउंड होती है यहाँ पे, कोई जवाब ही नहीं है जगह का। और यहाँ पे लिखा हुआ है सब, देखते हैं क्या क्या लिखा पड़ा है, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। ये देखो गाइस आप यहाँ पे पढ़ लेना, आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वीडियो रोक के, और ये है बीरबल का महल। और यहाँ पे भी देखो ताले वगैरह लगे पड़े हैं, पुराने ज़माने का सारा बना हुआ है, और आज भी बनावट ऐसी की ऐसी ही है कि ये है गाइस बीरबल का महल। तो गाइस एक बार ज़रूर आएँ फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ, एक से एक शानदार वीडियो लाता हूँ। तो गाइस प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो। और गाइस कम से कम लगभग अपने घर से मैं 200 किलोमीटर के जो दायरे में वीडियो बनाने आया हूँ। फतेहपुर सीकरी जो है 200 और आगरा जो पड़ता है 180 पड़ता है मेरे घर से। तो गाइस प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करो। तो अंदर चलते हैं इसके, देखते हैं बीरबल की खिचड़ी कैसी पक रही है। तो गाइस अंदर की ओर चल रहा हूँ मैं, और पैर जो है मेरे नंगे हैं बिल्कुल। ओफो बीरबल, कहीं पकी बीरबल की खिचड़ी? हाँ इसे ही बोलते हैं बीरबल की खिचड़ी, यहीं पकी थी। हाँ, वो एक पंच महल है, वो सब में ही घूमना पड़ेगा, 5 मंजिला बना हुआ है पंच महल, मुझे पता नहीं है अभी मैं घूम। हाँ मुझे पता ना है।
तो गाइस ये है बीरबल का महल अंदर से, ये देख लो। और वहाँ पे सामने गाइड वगैरह बैठे हैं, और बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको बीरबल का महल। एक सोड ले लेता हूँ थोड़ा सा ऐसा कर। सामने जो मेरे जूते रखे हैं वहाँ पे सूख रहे हैं, और सामने बहुत ही अति सुंदर व्यू वाइट। तो गाइस मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ बीरबल का महल, और यहाँ पे जो इसके बारे में जो जानकारी है वो लिखी हुई है, ये देख रहे हैं आप। पढ़ लेना वीडियो रोक कर, क्यों मैं पढ़ के सुनाऊँगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, वैसे भी मुझसे इतनी जो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, फास्ट हिंदी में भी लिख रहा, और वहाँ पर भी मैंने कही थी आपसे पढ़ लेना। आप चलते हैं गाइस सीधे पंचमहल की तरफ, पंचमहल देखने चलते हैं किधर है किधर नहीं है, तो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे, और ये बीरबल की खिचड़ी पकी थी यहीं पर। तो गाइस ये तो मुझे पता नहीं है कहाँ पर पकी थी कहाँ पर नहीं, अगर ये जो है बीरबल का महल है गाइस। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं पंचमहल किधर मिलता है, और पंचमहल भी है और जोधा बाई का महल भी है, उन्हें देखते हैं किन किन जगहों पर पड़ता है। तो चलते हैं सीधे डायरेक्ट आगे की ओर, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और गाइस ये आप सामने जो देख रहे हैं जोधा बाई का महल है, और धूप जो है काफ़ी हो रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। ये जोधा बाई का महल है, और यहाँ पे लिख रहा कि आओ जल, मैंने अभी अभी पानी भी पिया था यहाँ पे। और इसके अंदर चलते हैं थोड़ा देखते हैं, तो इसके अंदर चल के कैसा है जोधा बाई के महल में। तो शुल्क देखें भाला, तो अंदर चल रहे हैं, अंदर देखते हैं जोधा बाई के महल को भी। जोधा बाई तो गाइस यहाँ पे जो है वीडियोग्राफी जो है वो अलाउ है, कितने बना सकते हो, कोई मना दी नहीं है वीडियोग्राफी के लिए। ये जोधा बाई का महल है, और ये देखिए आप सामने से बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर नज़ारा एकदम, चारों ओर से दिखाता हूँ मैं। तो गाइस जिस जगह पे जो हूँ मैं इस समय जो जोधा बाई के महल में हूँ, अंदर आया हुआ हूँ, और अंदर का आपको मैं व्यू दिखा ही रहा हूँ। और जो गाइस यहाँ पे कुर्सी वगैरह पड़ी हुई है, फतेहपुर सीकरी निःशुल्क लिखा हुआ है यहाँ पे, और पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, बतेरा बड़ा बोर्ड है। तो गाइस ये ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है ये, और ये अभी तो फ़िलहाल मैं बंद कर रहा है, ये वाला जो रास्ता है बंद है, ताला लगा हुआ है, काफ़ी दिन हो गए हैं ताले लगे हुए को इसे। तो और चलते हैं गाइस, और पंच महल और है उसे और देखते हैं। और गाइस यहाँ के एक बात और बता देता हूँ, हर चीज़ की वीडियो जो है अलग अलग आएगी, और ये तो मैंने सारा मिक्स करके बना ही दिया है, इन जगह की अलग अलग वीडियो हर चीज़ की आएगी। जैसे पंच महल है उसकी वीडियो अलग आएगी, और जोधा बाई का महल है उसकी वीडियो अलग आएगी, और जो बीरबल का महल है उसकी वीडियो जो वो अलग आएगी। तो गाइस चलते हैं पंच महल देखने के लिए, हम भी बेचैन हैं, दिल धड़क रहा है, शोर मचा रहा है, किंग है पंच महल, देखते हैं। गाइस एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, अभी अभी जो जिसके नीचे बैठा था वही पंच महल है, और जो मैं काफ़ी देर से ढूंढना था पंच महल है कहाँ है कहाँ, मतलब मैं उसी के नीचे बैठा था, अब मैंने ध्यान से देखा ये मेरे पीछे जो है ये पंच महल है। ये जो गाइस ये सामने जो देख रहे हैं आपको वो दिखाई दे रहा है, देखो 1 2 3 4 5 मंजिल है, तो ये पंच महल बोलते हैं इसे। और ये आप सामने देखिए यहाँ पे जो गाना शूट हुआ था उसका क्या नाम है, शाहरुख खान का, नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार, वो गाना शूट हुआ था यहाँ पे, और वहाँ पे जो बैठ के गा रहे थे इस जगह पर उस गाने को, आपने देखी होगा इस परदेश मूवी, तो आपको पता चल जाएगा। और जो गाइस चलता हूँ मैं दिखाता हूँ कहाँ पर बैठ के गा रहे थे गाने को उसे, और जो काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है गाइस, एक बार ज़रूर आएँ फतेहपुर सीकरी में, अपने यूपी में भी एक से एक बेस्ट जगह है। तो गाइस यहाँ पे गा रहे थे बैठ के, अनुप ताला भी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कृपया उचित दूरी बना रखें।
और गाइस यहाँ पे खड़े हो गए कादे और पास जो गांव के बैठे हुए होते हैं यहीं के फतेहपुर सीकरी के बैठे हुए होते हैं, इस पे बैठ के गाते हैं। नहीं होना था लेकिन हो गया मुझे प्यार। और सामने वहाँ से जो है क्या नाम है, शाहरुख खान आता है इस पे यहाँ पे। तो जो है मैंने सारा कवर कर दिया गाइस इस वीडियो में, और आगे दिखाता हूँ आपको चल के। इधर को कूद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं गाइस, कितनी भी वीडियो बना कोई मनादी नहीं है यहाँ पे। और बड़े बड़े उसमें जाते तो हर जगह मनादी कर देते हैं, यहाँ पे कोई मनादी नहीं है। और जगह भी लाजवाब है, जगह का भी कोई जवाब नहीं है यहाँ की। और गाइस यहाँ पे जो है पानी वगैरह की दुकान अवश्य होनी चाहिए यहाँ पे। जो है अंदर जो है पानी जो ठंडा नहीं है बिल्कुल भी, इतना गर्म पानी आ रहा बहुत, पता नहीं कहाँ से आ रहा। और यहाँ पे ये जो है पार्क बना रखे हैं। और गाइस यहाँ की ठंड जो है बहुत ही अच्छी लग रही है। सामने वो दिख रहा है पंचमहल, और सामने यहाँ पे शाहरुख खान का गाना शूट हुआ था। इसकी तो मुझे पता नहीं क्या चीज़ है, अभी देखता हूँ मैप पे थोड़ी देर में, अभी पता चल जाएगा क्या चीज़ है। देखो एकदम बिल्कुल गोल गोल बना रखे हैं ये मस्त तरीके से। और गाइस यहाँ पे जोधा भाई की रसोई वगैरह जो भी है सारी वीडियो अलग से आपको मिलेगी समझने के लिए। ऊपर से ना इसके यहाँ पे शायद कोई आता हो, मैं ही आया हूँ। तो ये ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया ये। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ना गाइस, पुराने ज़माने के सब ताले वगैरह लगे पड़े हैं, ठुके पड़े हैं ताले। देखो कितने कितने पुराने ताले हो गए हैं, कितने पुराने हो गए ताले, जंग खाए पड़े हैं। और ये यहाँ की बुंदी भी ऐसा लगा रखी है किसी को खुला ना, सरकार ने पाबंदी लगा रखी है इन जगहों पर सारी पे, यानी मतलब बाहर से देख सकते हैं अंदर से नहीं देख सकते। और जो गाइस मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे करें। तो गाइस देखो गर्मी लग रही है इतनी बिकट, पसीने ही पसीना हो रहा है तमाम। तो गाइस मैं जल्दी से अब घर निकलूँगा यहाँ के ब्लॉग बना के, फिर जो उसके बाद मैं उत्तराखंड ही जाऊँगा। यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा मन, गर्मी इतनी पड़ रही है, बहुत ही हालत ख़राब है गाइस। तो हमें तो गाइस निकलना है यहाँ से, कैसे भी करें दो चार वीडियो बनावें उसके बाद यहाँ से हमें निकलना है, क्योंकि गाइस गर्मी नहीं होती तो रुकता भी मैं, गर्मी जो है काफ़ी है तो इस वजह से मुझे रुकना नहीं है बिल्कुल भी। सामने आपको मैंने दिखाई दिया है पंचमहल, और ये फतेहपुर सीकरी बोलते हैं इसे। गर्मी पड़ रही है ना भाई, गर्मी ने प्रजापति ब्लॉग्स गर्मी इतनी पड़ रही है कोई कहने नहीं, जवाब नहीं बिल्कुल भी, इतनी गर्मी लग रही है बहुत। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लें जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।